हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करती हूँ। आज मैं जा रही हूँ लौकी का हलवा बनाने, जो काफ़ी पसंद होता है। और गणेश चतुर्थी आने वाली है, हरितालिका का तीज, उसमें आप भगवान को भोग भी लगा सकते हैं इसे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं हम लोग आज। मैं आप देख सकते हैं, मैंने एक छोटी सी लौकी ली है। आप इसी तरह की लौकी लें, ताज़ा लौकी लें। और मैंने छोटा ही लिया क्योंकि लौकी का खीर हलवा ऐसा में छोटी वाली लौकी बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती है। 200 ग्राम के लगभग मैंने चीनी यूज की करूँगी। फूड कलर थोड़ा सा मैं डालूँगी। काजू और किशमिश मैंने कुछ लिए हैं। 2 इलायची के दाने हैं जो आप देख सकते हैं। थोड़े से मैंने चिरौंजी लिए हैं और 1 ग्लास मैंने दूध लिए हैं। कद्दूकस करने वाला ग्रेटर है, इसे आप कद्दूकस इसे अच्छे से पीलर की मदद से आप छील लें और इस तरह से आप इसे पकड़ के इस तरह से छीलें और कद्दूकस कर लें। तो चलिए मैं कद्दूकस करके आप लोग को दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कद्दूकस कर लिए हैं। इसकी अच्छे से आप इस तरह से हाथ से दबाते हुए सारा पानी निकाल लें। और इधर मैंने इंडक्शन पे पैन चढ़ा दिए हैं, इसे आप इंडक्शन ऑन करके इसे गर्म होने दें। तब तक मैं इधर कद्दूकस किया हुआ निकाल रही हूँ। इस तरह से आप इसलिए पानी निकाल लें। पानी को आप फेंके ना, इसे जूस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लौकी का जूस भी बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। मैं कभी आप लोगों को जूस भी बना करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने लौकी के बहुत सारे डिशेज डाले हैं जो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इधर ये गर्म हो चुके हैं पैन पैन हल्की सी पानी है उसको सूख लिया। उसके बाद मैं आप इसमें घी 2 चम्मच के लगभग आप घी ऐड कर लें और उसे गर्म करें। इस तरह से गर्म हो जाएगा। तो मैं ये कद्दूकस किया हुआ है इसे डालूँगी। आप देख सकते हैं घी गर्म हो चुकी है। अब आप इसमें कद्दू डाल दीजिए ग्रेट किया हुआ। इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करते हुए आप चलाते हैं, बराबर से चलाते हैं। ये हल्का सा ये अपने आप थोड़ी में पिंक कलर का हो जाएगा। इसे अच्छे से आप इसी तरह से इस तरह से मैं चला रहा हूँ। इस तरह से आप भी चलाएंगे तो इसको बराबर से चलाते रहें, जले नहीं। देख सकते हैं ये अच्छे से भून चुके हैं। अब आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लें। 2 चुटकी के लगभग आप फूड कलर ऐड करें और इसे इसका कलर बहुत ही अच्छा और टेस्टी, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अब आप इसमें ड्राई फ्रूट जो मैंने लिए थे, काजू किशमिश चिरौंजी, इन सबको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मैंने भूने नहीं हैं, आप चाहें तो इसे भून भी सकते हैं ड्राई फ्रूट को। और इस तरह से पूरे अच्छे से इसे मिलाएं। देखिए अच्छे से ये भून चुके हैं। थोड़ी सी कलर स्पून में मेरी लगी हुई थी तो उसे भी मैं इसमें ऐड कर ले रही हूँ। जिससे देख सकते हैं मैंने जो दूध लिए थे ये लगभग 100 ग्राम के लगभग दूध है। इसे आप इसमें ऐड करके इसे अच्छे से अब पकाए। देखिए कितना प्यारा सा कलर लग रहा है। अब इसे अच्छे से आप पकने दें। इसमें अब आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। देखिए कलर डाल देने से ये और भी खूबसूरत हलवा लगेगा लौकी का। आप एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार इसे बनाने का मन करेगा। इसकी टेस्ट इतनी लाजवाब होती है, कुछ कहने लायक नहीं। आप लोग एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से पूरे आप डाल दें चीनी। इतना चीनी इसके लिए परफेक्ट है। इस तरह से अभी से हल्का सा चाहे तो ढक भी सकते हैं और आप चाहे तो इस तरह से भी पका सकते हैं। अब 2 इलायची है उसे मैं अब इसमें कूट करके ऐड कर दूंगी, जिससे इसकी फ्लेवर भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अब इसे हम लोग पकने देते हैं। इलायची को कूट करके मैं अभी इसमें डालूँगी। आप देख सकते हैं इसकी कलर कितनी खूबसूरत हो चुकी है। मैंने इसमें इलायची के जो दाने कूट करके डाल दिए हैं, इसकी फ्लेवर इतनी अच्छी है, इतनी सुगंध इसकी फैल रही है कि पास पड़ोस में भी पता चल रहा है कि आज मेरे घर में हलवा बन रहा है, कुछ स्पेशल होने वाला है आज मेरे घर में। गणेश चतुर्थी के अवसर पर भी आप इसे बना सकते हैं, स्पेशल डिश में भी आप इसे रख सकते हैं। और तीज में, हरितालिका तीज में आप गणेश पार्वती गौरी को आप भोग भी लगा सकते हैं। इसे जिस तरह से चाहे उस तरह से इसका आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और यम्मी हलवा है ये।
प्लीज़ आप लोग भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें थोड़ी। अब आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से अब रेडी हो चुका है। अब मैं लहसुन को ऑफ करूँगी और इसे मैं सर्व करते हुए इस तरह से बाउल ले लें, उसमें आप इसे सर्व करके मेहमानों को सर्व करें। मेहमान आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे और वह बहुत ही इंजॉय से खाएंगे। लीजिए आप लोगों के लिए हलवा तैयार है, आप लोग भी इंजॉय कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।